हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, हम लोग कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत प्रमुख संप्रदाय को देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग तीन संप्रदाय को देख चुके हैं। तो आज हम लोग चौथे संप्रदाय को देखेंगे, वह है सखी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक जो है हरिदास माने जाते हैं। तो सखी संप्रदाय को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग समझते हैं कि सखी संप्रदाय है क्या। तो सखी संप्रदाय एक ऐसी संप्रदाय है जिसमें सभी भक्त अपने आप को श्री कृष्ण की सखी मानते हैं और उसकी उपासना करते हैं। मतलब समझ रहे होंगे आप सभी कि जितने भी भक्त होते हैं, महिलाएं पुरुष जो भी भक्त होते हैं सखी संप्रदाय के अंतर्गत, वो खुद को कृष्णवान की सखी मानते हैं, मित्र मानते हैं, सहेली मानते हैं, और यही मानकर वह कृष्णवान की उपासना करते हैं। और उसके और सभी भक्त जो है स्त्रियों के वेश में रहकर उनके आचारों और व्यवहारों का भी पालन करते हैं। यानी सखी मानने के साथ साथ वो क्या करते हैं, जिस तरह से कृष्णवान की सखियाँ हुआ करती थी, जिस तरह से कृष्णवान की सखियाँ सजा सवरा करती थी, जिस तरह से अपने आप को सजा के रखती थी, उसी तरह जितने भी लोग हैं, जितने भी भक्त हैं सखी संप्रदाय में, वो खुद को 16 श्रृंगार से सजा के रखते थे और उन्हीं के आचारों व्यवहारों का भी पालन करते थे। और एक बात यह भी कहा जाता है कि यह संप्रदाय जो है इस पद पर आधारित है, मतलब कि जैसे कि जिन भेषा मोरे ठाकुर रीझे सो ही वेश धरूंगी, इसी को आधार बनाकर सभी भक्त क्या करते हैं, अपने जीवन को श्री कृष्ण सरकार पर निछावर कर देते हैं। और इस संप्रदाय के जितने भी साधु संत सभी लोग जो हैं, साधु संत जितने भी भक्त हैं, साधु संत सभी लोग अपने को 16 श्रृंगार से सजा के रखते हैं, या कहें कि नख से लेकर चोटी तक वो खुद को सजा के रखते हैं और कृष्ण की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। मतलब जितने भी इसमें लोग होते हैं, जितने भी भक्त होते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, महिलाएं तो उनका तो श्रृंगार ही है 16 श्रृंगार, लेकिन महिलाओं के साथ साथ पुरुष लोग भी जो होते हैं, वो खुद को कृष्णवान की सखी मानते हैं और खुद को अपने आप को यानी 16 श्रृंगार से सजा के रख के कृष्णवान की उपासना करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जानकारियाँ हमें मिली है, मुझे भी नहीं पता था कि सखी संप्रदाय में इस तरह से मतलब साधु संत जो होते हैं वह खुद को 16 श्रृंगार में सजा के रखते हैं। चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं और महत्वपूर्ण बातें इसमें क्या है, उन सभी को भी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे लास्ट तक इस वीडियो में। तो सखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं और सखी संप्रदाय का एक और नाम है हरिदासी संप्रदाय। तो इनके प्रवर्तक जो है हरिदास, इन्हीं के नाम पर पड़ा था हरिदासी संप्रदाय। तो हरिदास का जन्म कब हुआ था, तो 1480 ईस्वी में, मृत्यु कब हुई थी 1575 ईस्वी में। कहीं कहीं जो इनका जन्म है 1478 ईस्वी मिलता है, कहीं कहीं 1573 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान है वृंदावन और राजपुर, जो कि राजपुर में पड़ता है, यानी राजपुर ही मान लिए कि वृंदावन राजपुर में। गुरु कौन है, तो आसधीर हैं, ठीक है। गुरु कौन है, आसधीर हैं। किनके गुरु, तो स्वामी हरिदास की। ये सभी स्वामी हरिदास के बारे में जानकारियां हैं। अब देखिए, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार स्वामी हरिदास का समय जो है 1478 ईस्वी से 1573 ईस्वी माना गया है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार स्वामी हरिदास का समय जो माना गया, कब से कब तक माना गया है, जो 1478 ईस्वी से 1573 ईस्वी, और सर्वमान यही है और यही हमें हर जगह देखने को मिलता है। तो आप सभी भी इसे ही मानेंगे कि हरिदास का जो जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, तो 1573 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है, तो प्रमुख रचनाएं हैं सिद्धांत के पद और केलीबाण, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है हरिदास की, तो सिद्धांत के पद है और केलीमाल है। ये दोनों जो इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है, यही दोनों रचनाओं के बारे में हमें जानकारियां मिलती है, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और इसमें जो है केलीमाल में क्या विशेष बातें हैं, इसमें 100 से अधिक पद हैं और राधा कृष्ण का इसमें चित्रण किया गया है। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि क्या है सखी संप्रदाय में महत्वपूर्ण तथ्य। तो स्वामी हरिदास ने निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत ही सखी संप्रदाय की स्थापना की। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत ही किस संप्रदाय की स्थापना हुई है, तो सखी संप्रदाय की स्थापना हुई है, ठीक है। स्वामी हरिदास ने निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत ही सखी संप्रदाय की स्थापना की है। दूसरी बात इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, यह है कि सखी संप्रदाय को एक तो हम लोग जान रहे हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जिनके यानी कि इनके सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं हरिदास जी, उन्हीं के नाम पे हरिदासी संप्रदाय पड़ा। इनके अलावा जो है सखी संप्रदाय का एक और नाम है जिसे कि कहा जाता है टट्टी संप्रदाय, ठीक है। टट्टी संप्रदाय मतलब टट्टी संप्रदाय ये कि गाँव में जो हम लोग देखते हैं झोपड़ी जो देखते हैं, टट्टी की झोपड़ियाँ जो बनी रहती है, जो हम लोग बोलते हैं कि ये टटिया बना हुआ है, टटिया भी बोलते हैं उसे, है ना, तो टटिया भी बोलते हैं, तो वही है टट्टी संप्रदाय। तो उसी प्रकार की जो टट्टियाँ जो हमें देखने को मिलती है, यानी बांस की जो पतली पत्ती लकड़ियाँ का जो बनाया जाता है, तो उसे ही कहा जाता है टट्टी। तो सखी संप्रदाय का एक और नाम है कौन सा संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय।
ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इस संप्रदाय से संबंधित जानकारियाँ हमें कहाँ मिलती है, तो इस संप्रदाय से संबंधित जो हमें जानकारियाँ मिलती है सखी संप्रदाय से संबंधित, तो किस ग्रंथ में मिलती है, तो निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ में मिलता है। किस में मिलता है, निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ में। यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सखी संप्रदाय से संबंधित जानकारियाँ किस ग्रंथ में मिलता है, तो निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ में मिलता है। और सारे तथ्य को आप लोग अच्छे से देखेंगे, क्योंकि मैं लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखी हूँ जिसका मैं आंसर नहीं बताऊँगी, सिर्फ क्वेश्चन बताऊँगी और आप सभी को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो इस संप्रदाय से संबंधित जानकारियाँ हमें निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ में मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर के दरबारी कवि यानी कि गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे, ठीक है। तानसेन जो थे किसके शिष्य थे, तो स्वामी हरिदास के शिष्य थे, यानी तानसेन के जो गुरु थे वो कौन थे, स्वामी हरिदास जी थे। यानी स्वामी हरिदास के शिष्य थे कौन, तानसेन थे, या कहें कि तानसेन के गुरु जो थे वह कौन थे, स्वामी हरिदास थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इस संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि है, और इस संप्रदाय में जो है निकुंज बिहारी श्री कृष्ण जो है वही सर्वोपरि है, और इस सर्वोपरि रहने के कारण ही जो है सभी भक्त क्या करते हैं, स्वयं को कृष्ण भगवान की सखी मानकर उसकी उपासना करते हैं। इस संप्रदाय में भक्त अपने आप को श्री कृष्ण की सखी मानकर उसकी उपासना तथा सेवा करते हैं। ये बात तो आपको अच्छे से मालूम हो गई, ठीक है। इस संप्रदाय के साधु विशेष रूप से भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र वृंदावन मथुरा निवास करते हैं। कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो यहाँ से भी एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सखी संप्रदाय के लोग ये हैं, या फिर जैसा पूछ दिया जाएगा कि सखी संप्रदाय के साधु लोग जो विशेष रूप से भारतवर्ष में कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ निवास करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र वृंदावन मथुरा में, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र वृंदावन मथुरा में निवास करते हैं। ये तो आपको पता है, वैसे वृंदावन मथुरा तो सबको पता रहता है कि राधा कृष्ण से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ मिलती है, जितने भी लेखकों ने रचनाएं की सभी वहीं पे जाके रचनाएं की, वहीं से प्रभावित होकर रचनाएं की, सभी भक्त वहीं हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र वृंदावन मथुरा में निवास करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वामी हरिदास के द्वारा निकुंजोपासना के रूप में श्यामा कुंज बिहारी की उपासना सेवा पद्धति की विकसित हुई है। स्वामी हरिदास के द्वारा क्या हुई है, निकुंजोपासना के रूप में श्यामा कुंज बिहारी की उपासना सेवा की पत्ति विकसित हुई है। तो यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि श्यामा कुंज बिहारी की उपासना सेवा की पत्ति विकसित हुई है, तो कहाँ से विकसित हुई है, तो स्वामी हरिदास के द्वारा निकुंजोपासना के रूप में, ठीक है, निकुंजोपासना के रूप में। तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये लाइन। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इस संप्रदाय के साधु अपने को 16 श्रृंगार में सजाते हैं, यानी कि नख से लेकर चोटी तक खुद को सजाते हैं और उसी रूप में भगवान की उपासना करते हैं। तो ये सभी जानकारियां जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है सखी संप्रदाय से संबंधित। अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या क्या है इसमें। अच्छा एक और छूट गया है, माफ़ कीजिएगा। चलिए इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की सिंगारिक क्रियाओं की को सखी भाव से उपासना की जाती है, यानी कि इस संप्रदाय के जितने भी लोग होते हैं राधा कृष्ण के सिंगारिक क्रियाओं के जो मतलब कि कृष्ण भगवान की जो हम लोग देखते हैं कृष्ण लीला जो करते हुए वो दिखते हैं वृंदावन में या फिर बगीचे में या आप कहें कि किसी फुलवाड़ी में जो अपनी सखी के साथ जो वो सिंगारिक क्रीड़ाएँ करते हैं, जो मस्ती करते हैं, जो वो खेल खेलते हैं, तो वो सब की भी उपासना की जाती है। यानी कि सखी भाव में वो सभी बातों का ग्रहण किया जाता है, उस सभी बातों को अपनाया जाता है। तो यही कहा गया कि इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की सिंगारिक क्रियाओं की सखी भाव से उपासना की जाती है। उनके जितने भी सिंगारिक क्रियाएँ हैं, यानी उनके जितने भी सिंगार से संबंधित खेल हैं, प्रेम से संबंधित खेल हैं, उन सभी को अपनाया जाता है और उसकी उपासना की जाती है। अब देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय के अलावा किस एक
किसी एक नाम से भी जाना जाता है तो वह कौन सा संप्रदाय है। आपको बताना है कि सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय के अलावा किसी एक और नाम से भी जाना जाता है तो वह कौन सा संप्रदाय है। सिद्ध है, नाथ है, बल्लभ संप्रदाय है या फिर टट्टी संप्रदाय है। सखी संप्रदाय को हम लोग तो जानते हैं कि सखी संप्रदाय एक हरिदासी संप्रदाय भी है, इनके अलावा किसी और संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी का आंसर आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। जितने भी इसमें क्वेश्चन है सभी का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, क्योंकि मैं आंसर नहीं बताऊँगी। जिन लोग भी अच्छे से देखा होगा वीडियो तो उसका आंसर जो आप लोग सब लोग अच्छे से लगाएंगे मुझे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कि सिद्धांत के पद केलिमाल प्रमुख ग्रंथों के रचनाकार कौन है। वल्लभाचार्य हैं, माधवाचार्य, हरिदास हैं, रामदास हैं। तो आपको इसका आंसर भी देना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि कौन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखी संप्रदाय से संबंधित हमें जानकारियाँ किस ग्रंथ में मिलती है। तो सखी संप्रदाय से संबंधित जानकारियाँ हमें किस ग्रंथ से मिलती है। साकेत से मिलती है, कमायनी से मिलती है, निजमत सिद्धांत से मिलती है या प्रिय प्रवास से मिलती है। तो इसका भी आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संप्रदाय के लोग अपने को 16 श्रृंगार से सजाते हैं। हरिदासी संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय के लोग या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब, सही सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे हैं और अभी बताया भी गया है। इसका आंसर आप सभी देंगे कमेंट बॉक्स में लिख के, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पे। ठीक है, तो इसी तरह एक और संप्रदाय हमारा बचेगा लास्ट में, चैतन्य संप्रदाय, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो पूरा का पूरा जो संप्रदाय वाला जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा हमारा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।